हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इंद्रपाल और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आपकी एक वेबसाइट है या फिर आपकी वेबसाइट की जो डिज़ाइन है वो काफ़ी बेसिक है और आप अपनी वेबसाइट की डिज़ाइन को जो है इन्हांस करना चाहते हैं, मतलब उसकी वेबसाइट के लुक को जो है कुछ अलग तरीके से क्रिएट करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को जो है लास्ट तक देखते रहिए। क्योंकि दोस्तों, आज के इस वीडियो से हम स्टार्ट करें हमारी वेबसाइट स्टाइलिंग सीरीज़। इस सीरीज़ में आपको बताया जाएगा कि कैसे आप जो है अपनी वेबसाइट को स्टाइल कर सकते हैं किसी भी लुक में। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे आप अपनी वेबसाइट की बेसिक डिज़ाइन को किसी एडवांस डिज़ाइन में क्रिएट कर सकते हैं, तो इस वीडियो को जो है लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन CSS के बारे में और देखेंगे कि एग्जैक्ट CSS होता क्या है और ये कैसे काम करता है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि वेबसाइट एग्जैक्टली होता क्या है। तो जैसे कि दोस्तों, काफ़ी लोगों को पता है कि वेबसाइट एग्जैक्टली होता क्या है और ये कैसे काम करती है, लेकिन दोस्तों आपको नहीं पता है कि वेबसाइट एग्जैक्टली होता क्या है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, वेबसाइट जो है एक कलेक्शन है रिसोर्सेज का, जैसे कि आपके वेब पेजेस, मल्टीमीडिया कंटेंट और अन्य कोई रिसोर्सेज। तो दोस्तों, एक वेबसाइट बनाने के लिए काफ़ी सारे कोडिंग्स की ज़रूरत होती है, जिसमें से जो मेन कोडिंग्स हैं जैसे कि HTML, JavaScript एंड CSS, ये सारी चीज़ों को यूज़ करके आप अपनी एक वेबसाइट क्रिएट करते हो। तो दोस्तों, इन सभी कोड में CSS का क्या यूज़ होता है वो हम जानेंगे। तो जैसे कि आपको पता है CSS का क्या मतलब होता है, CSS आपकी एक कास्केडिंग स्टाइल शीट होती है जो आपकी वेबसाइट के लुक को डिफाइन करती है। तो यहाँ पर जैसे कि आप उसका डेफिनेशन देख सकते हैं, CSS डिस्क्राइब हाउ HTML एलिमेंट्स आर टू बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन, इट्स कंट्रोल द कलर, फॉन्ट्स एंड लेआउट ऑफ योर वेबसाइट एलिमेंट्स। मतलब दोस्तों, आपकी जो वेबसाइट्स के एलिमेंट्स हैं, कलर्स हैं, बैकग्राउंड है या फॉन्ट्स हैं, उनको किस तरह से आपकी वेबसाइट पे दिखाना है, ये CSS काम करती है। तो दोस्तों, अगर इसको हम जो है एग्जाम्पल के तौर पे समझें तो आप जो है बेटर समझ पाएंगे कि एग्जैक्टली CSS काम कैसे करता है। तो दोस्तों, आप जो है लेफ्ट इमेज में देख सकते हैं, जहाँ पर एक ह्यूमन बॉडी का एग्जाम्पल दिया गया है। यहाँ पर दोस्तों, पहला इमेज जो दिखाया गया है, जिसमें आपको बताया गया है कि बॉडी का स्ट्रक्चर इंटरनल कैसा होता है और आपकी बॉडी को जो फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है, वो दूसरे इमेज में बताया गया है। वहीं दोस्तों, तीसरे इमेज में आपको बताया गया कि ह्यूमन बॉडी बाहर से कैसे दिखाई देती है। वही उसी तरह दोस्तों, आपकी वेबसाइट काम करती है, जहाँ पर आपका एक बेसिक HTML होता है, उस HTML को फंक्शनलिटी प्रोवाइड किया जाता है JavaScript की मदद से, और आपकी वेबसाइट को किस तरह का लुक देना है ये आपकी CSS डिफाइन करती है। जैसे कि दोस्तों, आप जो है राइट साइड की इमेज से समझ सकते हैं कि अगर हम अपनी वेबसाइट पर CSS अप्लाई करेंगे तो हमारी वेबसाइट का लुक किस तरह से चेंज होगा। यहाँ पर दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि CSS की मदद से आप अपनी वेबसाइट की डिज़ाइन को जो है किसी भी टाइप में बदल सकते हैं। मतलब आपकी वेबसाइट अगर बेसिक है तो उसको एडवांस लेवल पर क्रिएट कर सकते हैं या फिर कोई भी लुक आप अपनी वेबसाइट को दे सकते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आने वाली वीडियोस में हम CSS के बारे में और जानकारी लेंगे और जानेंगे CSS के कितने टाइप्स होते हैं, क्या प्रॉपर्टीज एंड वैल्यूज होती हैं और CSS को कहाँ पर ऐड करते हैं। मुझे उम्मीद है दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कुछ सुझाव या फिर मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज इस तरह के वीडियोज़ में हमेशा आपके लिए लाता रहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।